चकमा समुदाय के पूर्वज मुस्लिम थे, नहीं चकमा समुदाय के पूर्वज हिंदू थे। ये मैं नहीं, ये लोगों का कहना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे असल में चकमा समुदाय के पूर्वज हिंदू थे या मुस्लिम थे, या बौद्ध धर्म को मानने से पहले वो कौन से धर्म को मानते थे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे बौद्ध धर्म नष्ट होने के बाद चकमा समुदाय ने किस प्रकार बौद्ध धर्म को जीवित रखा और बौद्ध धर्म के प्रति उनका क्या योगदान है। इन सवालों के जवाब के लिए हमें इतिहास की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इतिहास के अनुसार पुष्पमित्र शुंग सम्राट अशोक के पोता बृहदत्त का हत्या सल कपट से कर दिए, फिर वो राजा बन गए। पुष्पमित्र शुंग राजा बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को पतन करने के लिए प्रतिज्ञा ले ली, इसलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मारने के लिए अनुमति दे दिए और जितने भी बौद्ध विहार है वहां आग लगवा दी। ऐसा कहा जाता है एक बौद्ध भिक्षु के सर के बदले 100 सोने के सिक्के दिया जाता था, इसलिए उस 100 सोने के सिक्के के लालच में आकर बहुत सारे लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं का कातिल करना शुरू कर दिए और उसके सर काटकर राजा के पास लेकर जाते थे और उसके बदले 100 सोने के सिक्का लेते थे। इस परिस्थिति को देखकर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु अपने साहित्य ग्रंथ को लेकर बाकी अन्य देशों में भाग गए, और बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अपना जान बचाने के लिए अपने संस्कृति को बचाने के लिए वेश बदलना शुरू कर दिए। जैसे आज भी वो वेश बदला हुआ भिक्षु चकमा बौद्ध समुदाय में पाया जाता है और उन्हें लूरी के नाम से जाना जाता है। ये लूरिया उस समय अपने जीवन और संस्कारों को बचाने के लिए देश और वेश दोनों बदले और चीवर को सुरकर एक चीवर के प्रतीक के रूप में वो अपने हाथ में नहीं तो अंगुली में एक चीवर का छोटा सा टुकड़ा बांडा करते थे, जो वर्तमान में त्रिपुरा के और मिजोरम बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में ये लूरिया आज भी पाया जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पुष्पमित्र शुंग के द्वारा बुद्ध धर्म को मानने वाले मुख्य उपासकों का भी कत्ल कर दिया गया। पुष्पमित्र शुंग की तरह अनेक राजाओं ने जैसे सासांग खिलजी उन लोगों ने भी बुद्ध धर्म के ऊपर आक्रमण की एवं बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ बौद्ध उपासकों का भी हत्या करने लगे। इसी समय से भिक्षु अपने देश और वेश बदलना शुरू कर दिए थे। और ऐसा भी कहा जाता है जो बौद्ध भिक्षु के साथ संबंध रखता उनका हत्या कर दिया जाता था, इसलिए बहुत सारे उपासकों ने भी भिक्षुओं से दूरी बनाना शुरू कर दिया। पर ये लूरी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए स्वयं आत्मनिर्भर होने लगे, खेती करने लगे और खेती करके अपना जीवन यापन करने लगे। इतना ही नहीं, चकमा समुदायों ने अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए मुगलों एवं ब्रिटिश के साथ भी लंबी लड़ाई लड़े थे। और चकमा समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो इतिहास में कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। सह परिस्थिति कैसे भी रहा हो, उन्होंने अपनी संस्कृति और पहचान को नहीं छोड़े। 1850 के दशक में चकमा रानी कलिंदी रानी के सामने ब्रिटिश लोगों ने एक प्रस्ताव रखे। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करिए, हम आपके समुदाय के सभी लोगों का जीवन शैली बदल देंगे। उसका जवाब देते हुए चकमा रानी कलिंदी रानी ने ये कहा कि हमारा संस्कृति हमारा कल्चर अच्छा है और ये जीवन शैली सबके वंश से संबंध रखते है। चकमा समुदाय के राजाओं को खान और रॉय टाइटल से नवाजा गया। चकमा समुदाय ने इन सभी उपाधि को स्वीकार किए, लेकिन इतिहास में किसी चकमा राजा ने ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए। ब्रिटिश और मुगलों के द्वारा चकमा लोगों के ऊपर असंख्य अत्याचार किया गया, लेकिन उन सभी चीजों का सहन करते हुए चकमा समुदाय के लोगों ने कभी मुगलों का धर्म और ईसाई धर्म नहीं अपनाए, क्योंकि वो खुद को सबके वंश का वंशज मानते थे। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी चकमा समुदाय के राजाओं ने मुगलों एवं ब्रिटिश के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपने संस्कृति और अपने पहचान को बनाए रखे। तो इस प्रकार निम्नलिखित बातों से यह सिद्ध होता है कि
सकमा समुदाय के पूर्वज कभी हिंदू नहीं रहे हैं। यदि पुष्पमित्र शुंग के समय वो हिंदू होते तो उन्हें अपने जीवन और संस्कारों को बचाने के लिए देश और वेश कभी बदलना नहीं पड़ता। हालांकि उन्होंने कान और रॉय का उपाधि अपनाया था, पर इतिहास में किसी चकमा समुदाय के व्यक्ति या राजा ने मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म को कभी नहीं अपनाए। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, बुद्ध धर्म को मानने से पहले वो कौन से धर्म को मानते थे? चकमा समुदाय के बुजुर्ग लोगों का मानना है, बुद्ध धर्म की उत्पत्ति से पहले वो श्रमण धर्म को मानते थे एवं वो प्रकृति को मानते थे। आज भी चकमा समुदाय में विशेष दिन में प्रकृति के हर वस्तु को पूजा जाता है। और चकमा समुदाय के बुजुर्ग कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बुद्ध धर्म के पहले वो ब्राह्मण धर्म को या किसी अन्य धर्म को मानते थे, बल्कि चकमा समुदाय के लोग प्रकृति के पूजक रहे हैं और बुद्ध धर्म अपनाने के बाद बुद्ध धर्म को हमेशा बनाए रखा। और बुद्ध धर्म के प्रति उनका ये योगदान है कि बुद्ध धर्म भारत में नष्ट होने के बाद भी चकमा समुदाय ने भले से अपने देश और वेश खो दिया हो, लेकिन बौद्ध धर्म को जीवित रखा। चकमा समुदाय के लोग सदियों से बुद्ध धर्म को मानते हुए आ रहे हैं। बुद्ध धर्म भारत में नष्ट होने के बावजूद भी चकमा समुदाय ने बुद्ध धर्म को सुरक्षित रखा है। और साथ ही साथ आज से जो 2500 साल पहले का जो परंपरा था, उस परंपरा को आज भी जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। चकमा समुदाय के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।